मसीहाओ, बीमारों के लिए उम्मीद, हारे हुओं की जीत हो तुम, जख्मों के मरहम के लिए खड़े थे तुम, खड़े रहोगे, वबा से लड़ते महास में तुम, डटे हुए थे, डटे हुए हो, नाज है कौम को तुम पे बहुत, दुआएं तुम्हारे साथ है सारी। नहीं कर सकेगा, आप अपनी प्रोटेक्शन हम फिर डेली बेसिस पर डेटा लेते हैं, डेटा शेयर करते हैं हम उनके साथ, और वो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे अपना प्लान बनाते हैं। जो भी हिदायत दी गई, चाहे जवानों को दी हो, चाहे नर्सिस को दी हो, चाहे डॉक्टर्स को दी हो, उन हिदायत पर अमल करते हुए हमें बहुत फायदा हुआ। एनसीओसी ने हमें बेहतर गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं इस पेंडेमिक को ओवरकम करने के लिए, थैंक्स टू एनसीओसी। हम खुद पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, उन्हें किटें फ्राहम की, पीपीए फ्राहम की। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा भी क्वारंटाइन सेंटर्स और आइसोलेशन सेंटर्स से वेस्ट को इकट्ठा करने और इसको डिस्पोज करने के लिए कोशिश है। चिलचिलाती धूप में पहरा देने का, अपने शबो रोज बीमार के नाम करने का, मुश्किल में साथ ना छोड़ने का, दूसरों को एहतियात सिखाने का, हिफाजत के साथ इबादत और दुआओं के अहतमाम का, वबा के साए तले खिदमत जारी रखने का, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट जो बन रहे हैं उसको मदद करना कि उसको और तेजी से कैसे किया जा सकता है, ये तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जाता है। और पिछले 100 दिन से ये सेंटर कायम है, एक दिन भी इसके काम के अंदर कमी नहीं आई। और जो रोज़ाना सुबह जो मीटिंग होती है जिसके अंदर तमाम सीनियर लीडरशिप भी होती है वफाक से और सूबों से, तमाम चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, कभी कभी चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, तो वो भी सिवाय ईद के 2 दिन के पिछले 100 में से 98 दिन जो है वो मीटिंग सुबह को यहाँ पर होती है। और सारी कौम जो है उसने मुकाबला किया है इसका, और बाकी कौमों से बेहतर मुकाबला किया है, और उसके अंदर ये मजबूत हिकमत अमली जो है उसने भी एक किरदार अदा किया है। गो के पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की बीमारी के हवाले से बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था, और यही वजह है कि हमारा रिस्पांस बहुत अब तक बहुत मुअसर रहा। लेकिन एनसीओसी के बनने के बाद जो इश्तराकी अमल वजूद में आया उसके नतायज आज हमें मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है, और अमवात भी कम हो रही हैं। जिस तरह हमने डिले किया पहले केस को आके आने तक पाकिस्तान में, उसी तरह इंशाल्लाह दूसरे ममालिक की निस्बत हम इसके ऊपर काबू भी जल्दी पा सके। और उसकी एक बहुत अहम वजह यह है कि एनसीओसी में जिस तरीके से हमने मिलजुल के काम किया।